स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह, आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज के बारे में, रे ऑप्टिक्स क्लास 12। देखते हैं स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोएक्सियली थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। हमारे पास टू लेंस है और कॉन्टेक्ट में रखे गए हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे बोथ लेंस आर कॉन्वेक्स, एंड सेकेंड कंडीशन में हम मानेंगे कि वन लेंस कॉन्वेक्स है और सेकेंड लेंस जो होता है हमारा कॉन्केव है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हम इमेज लेते हैं और इमेज है हमारे पास टू कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस एल वन और एल टू, और ये कोएक्सियली प्लेस्ड किए गए हैं। और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज जो होता है लेंस एल वन आई डैश पर मेक करता है, और आई डैश एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस एल टू। एल टू के लिए आई डैश जो होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करता है स्टूडेंट। अब इनकी मान लेते हैं कि फोकल डिस्टेंस जो है हमारी एफ वन और एफ टू है, और दोनों जो होते हैं लेंस हमारे एयर में रखे गए हैं। अब फर्स्ट कंडीशन हम सपोज करेंगे बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स, देन हमने ये देखा कि सपोज टू थिन कॉन्वेक्स लेंस एल वन एंड एल टू आप फोकल लेंथ एफ वन एंड एफ टू आर प्लेस्ड इन एयर इन कॉन्टेक्ट कोएक्सियली। दोनों की एक्सिस सेम है इसलिए इसको बोला गया कोएक्सियली। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारा वो है, तो वो ये फर्स्ट लेंस से इमेज डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट है ये, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये इसका फर्स्ट लेंस इसका इमेज यहाँ पे मेक कर रहा है आई डैश पर, तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। अब आई डैश जो होता है लेंस एल टू के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो अब ये सेकेंड लेंस के लिए हमारा वी डैश जो है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कंसीडर करेंगे और इसको हम इमेज डिस्टेंस कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारा फाइनल इमेज आई पर मेक हो रहा है। देन हमको मिलेगा स्टूडेंट देखें कि ये हमारा इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट वो फॉर्म बाई लेंस एल वन एट आई डैश। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला वन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ वन। अब यहाँ पे देखें लेंस एफ वन लेंस एल वन की फोकल डिस्टेंस एफ वन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, तो लेंस फार्मूला होता है वन अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ। तो ये रख देंगे वन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ वन। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आई डैश जो होता है ये देखते हैं कि आई डैश हमारा एक्ट करता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस एल टू, तो हम आई डैश एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। अब यहाँ पे आप सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा आपका वी डैश होगा और इमेज डिस्टेंस जो होगा वी होगा, तो हम इसके लिए विच फॉर फाइनल इमेज एट आई। अब इसके लिए आप लेंस फार्मूला लगाएं तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी डैश इक्वल टू वन अपॉन एफ टू फॉर सेकेंड लेंस की फोकल डिस्टेंस जो है एफ टू है, हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन टू। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर हमको एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए वन अपॉन वी डैश यहाँ पे पॉजिटिव, वन अपॉन वी डैश यहाँ पे निगेटिव, देन आप ऐड करेंगे तो ये और ये आपका कैंसिल आउट होगा, आपको मिलेगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, ये आपको फार्मूला मिल गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर हमारे पास एक सिंगल लेंस होता है यहाँ पे और वो डिस्टेंस पर वो मतलब यू डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता तो उसकी इमेज जो होता वी डिस्टेंस पर बनती, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू को हम कंबाइंड फोकस मान सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे देखिए यूजिंग लेंस फार्मूला तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, देन हम पुट कर देते हैं तो हमको मिलेगा वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू।
अब सेकंड केस हम लेते हैं, सेकंड केस की हमारा फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स हो और सेकंड लेंस कॉनकेव हो, तब क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ एक चीज और बता दें स्टूडेंट कि कंबाइंड पावर क्या होगा। तो आपको मालूम है कि वन अपान या जो होता है कि पावर होता है, तो हम कंबाइंड पावर इसको पी मानेंगे। ये फर्स्ट लेंस का पावर होगा, ये सेकंड लेंस का, तो पी वन प्लस पी टू हम कर लेंगे। अब कि हम ये देखते हैं कि फर्स्ट लेंस हमारा कॉन्वेक्स है, सेकंड लेंस कॉनकेव है। तो आपको मालूम कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल डिस्टेंस होती है पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस की फोकल डिस्टेंस जो होती है वो निगेटिव होती है। तो हम इसी को लिखते हैं यहाँ पे, एफ वन रहने देंगे, इसको माइनस एफ टू कर देंगे। और यहाँ पे हमने लेंस बना रखा है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स है और ये आपका कॉनकेव है। इसकी फोकल होती है निगेटिव, इसका फोकस होता है पॉजिटिव। देन हमको मिलेगा वन अपन एफ इक्वल टू वन अपन एफ वन प्लस वन अपन माइनस एफ टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो देन हमको मिलेगा वन अपन एफ इक्वल टू वन अपन एफ वन माइनस वन अपन एफ टू। अब इसको हम सॉल्व करें तो एफ टू हम यहाँ कर देंगे, एफ वन को यहाँ, नीचे आपका एफ वन एफ टू। अब यह आप निकालेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये एफ वन एफ टू ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा एफ टू माइनस एफ वन। तो हमको मिला एफ इक्वल टू एफ वन एफ टू अपॉन एफ टू माइनस एफ वन। अब यहाँ पे हम कुछ केस स्टडी करेंगे स्टूडेंट। केस नंबर हम फर्स्ट लेते हैं, और केस हमारा फर्स्ट ये होगा कि हम ये सपोज करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल डिस्टेंस एफ वन हमारी अधिक है, ग्रेटर है एफ टू से, देन आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देखें केस नंबर फर्स्ट, इफ एफ वन ग्रेटर देन एफ टू इक्वल टू, देन एफ इक्वल टू निगेटिव। अब यहाँ पे हम आपको बता दें थोड़ा सा इसको, ये देखिए आप ये कि हमको फार्मूला है जो एफ हमको मिला है वो मिला है इतना, एफ वन एफ टू अपॉन एफ टू माइनस एफ वन। अब आप देखें एफ वन हमारा बड़ा है, ये हमारा बड़ा है, एफ वन हमारा अधिक है। तो अब यहाँ पे छोटी चीज में से अगर बड़ी चीज आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस वन, ये हो जाएगा आपको निगेटिव। तो देन हमको जो फोकस मिलेगा वो होगा निगेटिव, यानी कंबाइंड फोकस आपका निगेटिव है। देयरफॉर कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल डिस्टेंस निगेटिव होती है। देन अब ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन विल बिहेव्स लाइक कॉनकेव। जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो बिहेव्स लाइक करेगा कॉनकेव लेंस की तरह से। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास लेंस है, ये कॉम्बिनेशन है, कॉन्वेक्स लेंस है आपका कॉन्वेक्स, और ये आपका कॉनकेव है। अब यहाँ से देखें कि ये लेंस आ रही है, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है आपका, डाइवर्ज करता है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो होगा वो बिहेव्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, और ये क्या करेगा जो रेज है उसको डाइवर्ज कर देगा। अब यहाँ पे आते हैं केस नंबर टू हम देखते हैं। तो केस नंबर टू आपका है कि अब केस नंबर टू आपका कह रहा है कि अगर हमारा एफ टू ही बड़ा हो जाए एफ वन से, तो यहाँ पे केस नंबर टू आपका ये कह रहा है कि हमारा जो होता है कि यहाँ पे देखें कि ये कह रहा है कि एफ वन से बड़ा आपका कौन है, एफ टू है, और आपके पास जो रिजल्ट टेंट फोकस है वो एफ वन एफ टू अपॉन एफ टू माइनस एफ वन। तो अब ये वाला अगर बड़ा है आपका, ये आपका बड़ा है, तो देयरफॉर ये एफ क्या होगा आपका, एफ जो होगा स्टूडेंट वो होगा पॉजिटिव, एफ हमारा पॉजिटिव आएगा। तो हमारा काम पॉजिटिव, यहाँ पे एफ आपका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। देन हमारे पास जो फोकस हो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव लेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिहेव्स लाइक ए कॉन्वेक्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो होगा आपका बिहेव्स लाइक ए कॉन्वेक्स होगा। जो रेज आएंगी उसको क्या होगा, उसमें कन्वर्जन होगा, डाइवर्जन नहीं होगा। यहाँ पे देखें जो रेज हमारी आ रही है वो आपकी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, यानी यहाँ पे ये रेज जो होंगी वो आपकी कन्वर्ज हो जाएंगी। अब केस नंबर थर्ड देखते हैं। केस नंबर थर्ड आपका कह रहा है कि इफ एफ वन इक्वल टू एफ टू। अब यहाँ पे देखें
कि एफ वन हमारा इक्वल हो गया एफ टू के, तो एफ जो हमको मिला स्टूडेंट वो एफ वन था, एफ टू था और ये हो गया एफ टू माइनस एफ वन। अब यहाँ पे देखें कि जब ये इक्वल है दोनों, तो ये जैसे टू और माइनस टू, तो ये तो जीरो हो गया, तो आपको मिला एफ वन एफ टू अपॉन जीरो, और जीरो को जो डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, यानी जो फोकस होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी जो रेज होगी हमारी न तो उसमें कन्वर्जन होगा और न ही डाइवर्जन होगा, वो रेज क्या होगी सीधे पास कर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिहेव्स लाइक ए प्लेन प्लेट, तो प्लेन प्लेट की तरह से हमारा बिहेव करेगा। अब यहाँ पे देखिए रेज है सीधे हमारी पास हो गई, रेज सीधे पास हो गई, ये सीधे पास हो गए। अब लास्ट केस देखते हैं स्टूडेंट, हमारा केस फोर है। केस फोर ये कह रहा है कि अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि बोथ लेंस हमारे थे वो कांटेक्ट में थे, दोनों लेंसों को जब रखा गया था तो कांटेक्ट में रखा गया था। अब इस कंडीशन में जो हमारा लेंस होगा वो कांटेक्ट के बजाय इसमें हम सेपरेशन करेंगे, तो सेपरेशन होगा, तो यहाँ पे द लेंस सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, जो हमारे लेंस है वो स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिए गए, तो थिन लेंस सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखें कि हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, अब दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, पहले कांटेक्ट में थे अब कांटेक्ट में नहीं है, इनमें सेपरेशन हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इनमें डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि डी है, और इसका फोकस एफ वन, इसका फोकस आपका एफ टू है, तो देखिए एफ वन फोकस एफ टू फोकस। इस कंडीशन में जो हमारा कंबाइंड फोकस होगा स्टूडेंट ये होगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू माइनस डी अपॉन एफ वन एफ टू। अब यहाँ पे कंबाइंड पावर ले लेते हैं, तो 1 अपॉन एफ आपको मालूम है पी होता है, ये फर्स्ट लेंस का पावर होगा पी वन, ये सेकेंड लेंस का पावर होगा, यहाँ से डी को हम कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन एफ वन को पी वन लिखेंगे, 1 अपॉन एफ टू को पी टू लिखेंगे, देन हमको मिलेगा पावर, आपको मिल जाएगा ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो हुआ है स्टूडेंट, इसको हम बता दें, देखिए कि ये आपका पी वन है, ये आपका पी वन है फर्स्ट लेंस का पावर है, और ये आपका है पी टू, ये आपका पी टू, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन कंबाइंड पावर। थैंक यू स्टूडेंट, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।